ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। घर में बैठी रहेंगी, बाहर का देगी बोल दो कि कोई नहीं है, तो इधर कोई देख रेख नहीं है, किसी की भी शिकायत नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ के एमसी के वार्ड नंबर 19 में। तो वार्ड नंबर जो 19 है वो इंडस्ट्रियल या फेस को राम दरबार को मिलाकर बनाया गया है। तो यहाँ की पार्षद हैं नेहा मुसावत, जो आम आदमी पार्टी से संबंध रखती है। हम अभी चलते हैं वार्ड के अंदर और यहाँ के निवासियों से बातचीत करते हैं कि उनके जो वार्ड के पार्षद हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या यहाँ के निवासी उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। आइए चलते हैं वार्ड के अंदर। ऐसे है सर, हमारे यहाँ पहला समस्या तो पानी का है, यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। ये एयरपोर्ट वाले आर्मी वाले पानी रोक दिए हैं, हमारे घरों में इतने इतने पानी जमा हो जाता है। यहाँ जो पार्षद हैं, यहाँ की पार्षद यहाँ भी जा करके हम लोग मिल लिए हैं, घर में बैठी रहेंगी, बाहर कह देंगे कि बोल दो कि कोई नहीं है, तो इधर कोई देख रेख नहीं है, किसी की भी निगाह नहीं है। हम लोग तो यहाँ से मच्छर से, मक्खियों से, कि ये देखिए ये डेंगू के बीमारी होने से सारे से खतरे ही खतरे हैं। बाकी इधर कोई किसी की भी निगाह नहीं है कि राम दरबार के 1550 से लेकर के 1700 मकान सारे ये पानी में डूबने वाले हैं, जब भी बरसात हो जाए फिर से पानी में ही डूबे। सर, आपके जो वार्ड में कोई समस्या हो प्रशासन की तरफ से या कुछ और? साढ़े राम दरबार च पिछले 2 महीने तो ज़्यादा हो गया, हर रोज़ कट लगते ने, एक एक घंटे तो 2 या 3 कट लगते ने। बिजली वाले नाल गल की गई है तो वह कहें साढ़े इतने कोई 66 KV का ट्रांसफार्मर सड़िया हुआ है। आपकी बात किससे हुई जी? बिजली जो डिपार्टमेंट के जो बंदे ने जो ठीक कर आते हैं, होर गल जिदा असं कंप्लेन करते हैं उत्थे कि लाइट चली गई, कारण की है, लोग कहते हैं कि 66 KV का ट्रांसफार्मर इतने सड़िया हुआ, 366 KV के ट्रांसफार्मर वो दसते हैं कि अगर ये बिजली असी एक घंटा कट नहीं लाते तो साढ़े दूसरे ट्रांसफार्मर भी सड़ सकते हैं, जबकि इन्हों ठीक करने की जरूरत सी। एक कलोनी का होने करके कलोनी के लोगों पर यह बर्डन पाया जा रहा, अगर कोई बंदा अपना बिजली का बिल अगर लेट कर देता है किसी कारणवश, नहीं होंगे गरीबी कई बार पैसे, तो वह मीटर कट्टन लिए बिजली वाले आ जाते हैं। बिजली के रेट बनाने की गल हो एक मिनट लाते हैं, सुविधा देने कलोनी के लोगों को कोई ना कोई नहीं है सिस्टम। उस टाइम पानी आना होंगे, लोग इतने लेबर करते हैं, पानी नहीं आता है, ट्यूबलों तो पानी आता है, लाइट चली जाती है, ट्यूबल नहीं चल पाते, बहुत समस्या नाल जूझ रहे ने लाइट ते पानी दी। बहुत दिक्कत है जी, पानी का एक तो बड़ी प्रॉब्लम है ना इधर, अलग ही नेहा कर कई बार नाले नूले बंद है, बोला खुलवा दिया कहीं कोई पानी पाना, अंदर पानी इतना इतना घुस जाता है। नहीं, पानी की जो स्ट्रॉन्ग वाटर है जो बरसात के वक्त पानी आता है उसकी दिक्कत है या पीने के पानी की समस्या है? हाँ दोनों, अब यहाँ से अगर पानी सीधे अगर रोक देते हैं ना सीधे उसमें जाएगा तो गंदा पानी ट्यूबवेल में घुस जाता है। गंदा पानी हमारे सामने सप्लाई है। अच्छा, ट्यूबवेल में जाएगा, ट्यूबवेल में जाता है, वही पानी नलों में आ जाता है। तो यहाँ से कुछ निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई नहीं, उधर डिफेंस वाले वो नहीं जाने देते, दीवार बना उधर उन्होंने दीवार बना रखी है, वो जाने नहीं देते। उन्होंने पीछे कंप्लेन भी कर दिया था थाने में, कहते भाई हमने यहाँ से अपने यहाँ पानी नहीं निकलने देते।